हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और ये मेरे पास एक सिंक्रोनस मोटर जो कि पूरी खराब हो चुकी है और कबाड़े में बेचने के लायक हो चुकी है। तो इस कबाड़ से मैं बनाई है यहाँ पर एक गियर मोटर जो कि आप देख सकते हो टॉय मोटर लगी हुई है इसके पीछे की साइड में। और ये भी एक गियर मोटर ही है जो कि ऑनलाइन आपको लगभग 100-150 रुपए में आसपास मिलने वाली है। और ये हमने यहाँ पर घर पे बनाई कबाड़ से। इसका जो पावर है इस मोटर से ज्यादा है और ये आराम से आप बना सकते हो घर 10 रुपए के अंदर। तो भाई, अगर आप भी इस टाइप की मोटर बनाना चाहते हो और पैसे बचाना चाहते हो, आपके पास भी इस टाइप का कबाड़ा पड़ा हुआ है जिसके अंदर गियर निकल जाते हैं, जरूरी नहीं कि सिंक्रोनस मोटर ही आपके पास हो, कोई टॉयस हो जिसके अंदर गियर निकलते हैं, तो मैं आपको पूरा नॉलेज देने वाला हूँ और इस टाइप की आप मोटर बना सकते हो, पैसे बचा सकते हो। ऑनलाइन काफी ज्यादा लूटपाट मची होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो आप घर पे बनाकर पैसे बचा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करना, पूरा मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई, मेरे पास एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि एक पुराने कूलर के अंदर से निकाली है। इसके अंदर पानी चला गया था जिसके कारण ये जंग लग चुकी है इसके अंदर और पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक गियर मोटर बना ली जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो गियर है बिल्कुल सही है। और अगर आपके पास भी इस टाइप की सिंक्रोनस मोटर है जिसका आप यूज करके गियर मोटर बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। भाई, अगर आपके पास सिंक्रोनस मोटर नहीं है तो आपके पास पुराने टॉयज पड़े होंगे, उसके अंदर भी गियर होते हैं, उन गियर का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो सभी में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर से मैं सारे गियर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर जो गियर निकाल रहा हूँ इसके अंदर मेरे को ध्यान रखना होगा ये टूट ना जाए। तो फाइनली सारे के सारे गियर मैंने यहाँ पर निकाल लिए इसके अंदर से, लेकिन ये काफी ज्यादा गंदे हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम पेट्रोल से, डीजल से या फिर कोई केरोसिन डालकर इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है, आप कोई सा भी पुराने गियर का यूज करो तो उसके अंदर मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। कोई इसमें अंदर मतलब मिट्टी विट्टी लगी होगी तो उससे क्या होगा गाइस कि हमारी जो गियर मोटर बनाएंगे वो चलेगी नहीं अच्छी तरीके से, वो लोड ज्यादा लेगी और हमारा जो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो फाइनली अब मैं यहाँ पर गियर को साफ कर लिया है और एक यहाँ पर पाइप लूंगा मैं और इस पाइप से हम यहाँ पर इसकी बनाएंगे बॉडी। तो सबसे पहले इस पाइप को कट करके इसको गर्म करेंगे और एक यहाँ पर प्लास्टिक की सीट बना लेंगे। तो भाई, यहाँ पर मैं इसको गर्म करने के लिए हीट गन का यूज़ कर रहा था और अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप गैस का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ पीसेज इसके अंदर कट करूँगा जो कि आप देख सकते हो वीडियो में, और मैं इसके बाद में आपको बता भी दूंगा इसकी साइज में क्या ले रहा हूँ। तो फाइनली सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाइस एक 10 सेंटीमीटर का और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लिए और इसके बीच बिल्कुल बीच में एक यहाँ पर लाइन खींच दी है, और जहाँ पर हमने बीच में लाइन खींची है उसके ऊपर की साइड में एक होल कर दिया है। जहाँ पर हमने होल किया है वहाँ पर एक बड़ा वाला जो गियर है हमारा उसको रखना है और उसके जस्ट टीथ को लगाते हुए हमें छोटा गियर भी लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कील लेंगे छोटी सी और इस कील को यहाँ पर होल करके लगा देंगे इस टाइप से। गाइस, जो हमने यहाँ पर कील लगाई है इसके अंदर हमारा गियर आ जाएगा और ऊपर से इस कील को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो भाइयों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो गियर लगाया है बिल्कुल परफेक्टली लगा है, ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए। इसी टाइप से हमारे जो भी गियर है यहाँ पर 3-4 गियर्स है उन सभी को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर तीनों के लिए यहाँ पर मैंने कील लगा दिए बिल्कुल लाइन में। फाइनली गियर भाइयों, हमारे गियर जो इस टाइप से लग जाएंगे और बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर चलने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, 3 सेंटीमीटर की एक पट्टी लिए, इसके बीच में यहाँ पर मिडल सेंटर निकालकर एक लंबी सी लाइन खींच दूंगा। लाइन खींचने के बाद गाइस मैं एक टॉय मोटर लूंगा, आप सभी ने देखा होगा हमारे टॉयज जो होते हैं उनके अंदर इस टाइप की मोटर होती है। तो यहाँ पर इस मोटर को लेंगे और एक होल कर देंगे यहाँ पर। होल करने के बाद गाइस हमारी मोटर जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक प्लास्टिक का मैंने सीट लिए और उसको गर्म करके इस मोटर के चारों तरफ हमने घुमा दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक इस टाइप का बन चुका है हमारा पार्ट। इस पार्ट को यहाँ पर लगाएंगे मोटर को फिट करने के बाद में, वो सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मोटर है हमारी हम खोल भी सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी मोटर कभी खराब होगी तो हम दूसरी भी चेंज कर सकते हैं। अब हमारा छोटा वाला जो गियर है इसके अंदर जो कि हम हमारी मोटर के शाफ्ट पे लगाएंगे, तो इसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे और डायरेक्टली हमारे मोटर के शाफ्ट के ऊपर लगा देंगे। फाइनली गाइस हमारी मोटर के ऊपर यहाँ पर गियर लग चुका है। अब हमारा जो हमने गियर सेट बनाया था उस गियर को यहाँ पर इस टाइप से लगाना है और हमारी मोटर का जो गियर है उससे सेट करते हुए सुपर ग्लू से चिपका देंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि हमारी मोटर जैसे रन करेगी हमारे सारे के सारे गियर यहाँ पर घूम रहे हैं। अब वापस से इन सारे गियर्स को हम निकाल देंगे और एक यहाँ पर छोटी पट्टी लेंगे जिसके मिडल में मैंने एक लाइन खींच रखी है
और जो हमारे कील है तीनों इन कीलों तीनों कील के यहाँ पर मार्किंग लगाकर इसके अंदर भी होल कर देंगे। तो भाई आप देख सकते हो हमारे होल हो चुके हैं और अभी इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक और मैंने पत्ती ली है जिसके बीच में मैंने लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर आपको पता होगा हमने स्टार्टिंग में एक बड़ा सा होल किया था यहाँ पर कील लगाने से पहले, उसके बिल्कुल लेवल में हम यहाँ पर एक और होल कर देंगे बड़ी साइज का। अब यहाँ पर हमने जो छोटी पत्ती कट करी थी उसको यहाँ पर ऊपर साइड में लगाएंगे और सुपर ग्लू लगा देंगे। सुपर ग्लू लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारे गियर के अंदर ना चल जाए ग्लू, वरना वो जाम हो जाएंगे। अब वापिस हमारे जितने भी गियर है सबको सेट करेंगे और गियर से गियर मिलाकर यहाँ पर इसको चिपका देंगे नीचे की साइड से। और सुपर ग्लू का यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि गियर के अंदर ना लग जाइए वरना पूरी मोटर खराब हो जाएगी। अब इसके जो हम किनारे हैं इन किनारों पे हम एक पट्टी लगा देंगे और यहाँ पर सुपर ग्लू से लगा देंगे चिपका देंगे। और गियर जो है इन गियर के अंदर हल्का सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथली चले। फाइनली गाइस अब हमारी मोटर जो है इनके चारों तरफ हम पट्टी लगाकर इसको पैक कर देंगे यहाँ पर। फाइनली गाइस हमारी मोटर जो पूरी पैक हो चुकी है यहाँ पर और आप देख सकते हो यहाँ पर जो किनारे है थोड़ा मतलब रफ से दिख रहे हैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं कि विशाल भाई आप जो बनाते हो उसमें फिनिशिंग आती है, हम जो बनाते हैं उसमें रफ सा दिखता है। इसका कारण ये होता है कि गाइस मैं जो है यहाँ पर फिनिशिंग पे ध्यान देता हूँ, थोड़ा टाइम जो हमें लगता है इसके अंदर फिनिशिंग करने में। हम रेजमाल लेंगे और पूरी मोटर को अच्छी तरीके से घिसेंगे जिससे कि किनारे जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। भाई आप जितना टाइम दोगे इसमें फिनिशिंग में उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी इसकी अच्छी से, पूरी मोटर को हमने घिस दिया यहाँ पर और आप देख सकते हो इसके किनारे विनारे बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। और इसके ऊपर कलर कर दें हम तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से लाएं। तो फाइनली गाइस हमारी मोटर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके अंदर वायरिंग कर देंगे हम। मोटर के अंदर 2 वायर को हमें कनेक्ट करना है। और लीजिए गाइस हमारी मोटर यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम जैसे इसके अंदर पावर सप्लाई देंगे तो हमारी जो मोटर है यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। और भाइयों ये जो हमारी गियर मोटर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर देखते हो तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं है। हमारी जो गियर मोटर होती है उसकी हमारी यहाँ पर स्पीड है इसकी। और भाइयों गियर मोटर का हम यहाँ पर यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें टॉर्क ज़्यादा और स्पीड कम मिले। और इसका जो टॉर्क है गाइस वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको वीडियो में लास्ट में दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हो जहाँ पर आप कोई रोबोट बना सकते हो, कोई आपकी जो आरसी कार बना सकते हो, कुछ भी बनाओ तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मार्केट में मिलने वाली जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी, लेकिन हमने यहाँ पर एक कवाड़ के द्वारा यहाँ पर एक मोटर बना दी है जो गियर मोटर काफ़ी पावरफुल है। आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक फ्लार इसने काफ़ी अच्छी आराम से उठा दिया है। तो भाई इस कवाड़ से हमने इस वाली गियर मोटर को बनाया है और इस मोटर का जो पावर है इस मोटर से ज़्यादा है। और ये वाली जो है लगभग आपको 100 रुपये के आसपास मिलने वाली है। ये हमने 10 रुपये में, मान लीजिए आपका सुपर ग्लू लगेगा और प्लास्टिक पाइप आपके पास ऑलरेडी होगा इसलिए पुराना आप ले सकते हो और मोटर भी आपके पास होगी और सारा का सारा कबाड़ा हमने यूज़ किया है इसके अंदर, लगभग 10 रुपये मान लीजिए सुपर ग्लू लगने का, ठीक है। और आप इसको घर पर बना सकते हो और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और इसी टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, ठीक है। मिलता है वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बड़ी।